हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स को कैसे प्रिंट करा सकते हैं और उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे और बहुत ही इजीली आप काम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आपको बनाना है तो पहले उसके बारे में एक बार सोच लीजिए कि ये प्रोग्राम बनेगा कैसे। कॉपी लीजिए, कॉपी पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि हम नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। तो ये टर्बो आईडी हमने ओपन कर ली है, यहां से हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यहां से न्यू फाइल आ गई। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां मैं हेडर फाइल लिख ले, ठीक है, और यहां पे करेंगे void main, ठीक है, void main ये कर दिया हमने, ठीक है। और यहां से अब नीचे आएंगे, यहां पर इंटीजर टाइप की वैल्यू मैं लेता हूं, एक वैल्यू ए, एक यहां पर वेरिएबल बनाता हूं ए, और दूसरा जो वेरिएबल है वो आई, ठीक है, आई लूप चलाने के लिए। और यहां पर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR लगा दिया हमने, ठीक है, और यहां से इसको टर्मिनेट किया। अब यहां पर आएंगे तो यहां पे हम प्रिंटएफ में क्या देखना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंटएफ में हम देखना चाहते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैनएफ लगाएंगे, ठीक है, यहां पे %d, ठीक है, और यहां पर क्या देंगे, देखिए यहां पे देंगे हम एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि ए में जाके वैल्यू हो गया। इसके बाद यहां पे लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं हम, ठीक है। आई की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं हम 1 से। क्यों 1 से स्टार्ट करेंगे, क्यों नहीं हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल काउंटेबल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, जीरो से नहीं स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता है। और इसमें डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव वाले नंबर्स नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आई इज लेस देन और इक्वल टू, हम कहां तक चलाएंगे इस लूप को, ए तक चलाएंगे, ठीक है, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी, आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करना है और ए तक चलाना है, ए से कम रहेगा वैल्यू, जैसे 1 है यहाँ पे, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू ए में मान लीजिए यूजर ने एंटर कर दिया 5, तो 1 तो 5 से कम ही होगा और तब ये वैल्यू बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब इसको प्रिंट करवा दीजिए, आपका काम हो गया है। तो यहाँ पे लिखिए प्रिंट एफ और यहाँ लिखिए %d। यहाँ पे हमें आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ना कि ए की वैल्यू को, यहाँ पे ये गलती हो रही है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू को आप प्रिंट करवाइएगा, ए की वैल्यू को प्रिंट करवाइएगा, तो सेम नंबर प्रिंट होकर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, आई चेंज हो रहा है और लूप कहां तक चलाना है, ए तक चलाना है। तो यहाँ पे ए ना लिख करके आपको आई लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से सेव करिए और अब इसको रन करवाता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें एंटर करनी है, जैसे सपोज कीजिए ए की वैल्यू हमने एंटर की 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू हमने एंटर कर दी 7, तो यहाँ पे 7 टाइम ये प्रिंट होकर आएगा। अगर ए की वैल्यू एंटर करेंगे हम कुछ और, तो वो कुछ और प्रिंट होगा, जैसे मान लीजिए हमने 12 एंटर किया, तो 12 तक ये प्रिंट होकर आएगा। तो इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।